नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अंडमान ट्रेवल व्लॉग के एपिसोड 15 में। दोस्तों सुबह के 5 बज रहे हैं और हमने 5 बजे का अलार्म लगाया था तो हमारा छोटा फोन बजने लगा है और हमारी फ्लाइट है 7 बजे की, तो हम आधा घंटा में तैयार होकर निकल जाएंगे। तो टैक्सी का हमारा प्रबंध यही हो गया था होटल की तरफ से, मतलब होटल में ही हो गया था, तो हमें आज ऑटो बाहर से बुक करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। और बाहर का यह नज़ारा देखिए, सूर्योदय होने वाला है और सूर्योदय से पहले की जो लालिमा है सूर्यदेव की वो आकाश में बिखरी हुई है। तो हम फटाफट तैयार होके फिर चलते हैं नीचे। तो दोस्तों जैसा हमारा टारगेट था कि हम आधा घंटे में तैयार होकर नीचे आ जाएंगे, तो हम 5:35 हो रहा है, 5:30 से थोड़ा ज़्यादा हुआ है, तो हम आ चुके हैं नीचे दोस्तों और हमारी गाड़ी भी तैयार है जाने के लिए। तो हम 15 से 20 मिनट के अंदर एयरपोर्ट पहुँच जाएंगे और एयरपोर्ट पहुंचकर फिर चेक इन करेंगे, तब तक आधा घंटा और लग जाएगा। तो मतलब हम समय से ही हैं, विलंब नहीं हुआ है। और हर दिन की तरह जाते जाते भी हम जैसे ही होटल से बाहर नीचे आए हैं तो तिरंगा मेमोरियल और सामने हिंद महासागर, रोज आइलैंड, मरीन ड्राइव, ये सारी चीज़ें एक साथ हमें दिख गई हैं। तो जब हम किसी जगह पर 3-4 दिन 5 दिन रहते हैं उसके बाद जब जाने लगते हैं तो ऐसा लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना लें, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोटो खींच लें, एक मतलब अटैचमेंट टाइप का हो जाता है उस टूरिस्ट स्पॉट से। तो वही कुछ हमारे साथ भी हो रहा है आज, और कल शाम को भी ऐसा ही हुआ था। जब हम मरीना पार्क गए थे तो ऐसा लगता रहा था कि आज तो आखिरी रात है यहाँ पर, तो ज़्यादा से ज़्यादा टैंक की भी फ़ोटो बना लें, वीडियो बना लें, नीचे समुंदर की भी बना लें, पार्क की भी बना लें, तो इस तरह की फीलिंग्स आती हैं। ये दोस्तों सामने जो आपको दिख रहा है ये यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर का आवास है। यहाँ पर सामने एक लड़ाकू विमान खड़ा हुआ है और एक तोप लगी हुई है। और ये देखिए दोस्तों, जिसको ढूंढा गली गली वो आखिरी दिन मिली। गोगो बस सामने से जा रही है और इतने दिन जब हम अंडमान में ढूंढ रहे थे तो हमें एक दिन भी गोगो बस नहीं दिखी। तो दोस्तों हम 15 मिनट में ही पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट के बाहर। ये आप देख सकते हैं एयरपोर्ट दिख रहा है हमें, तो हम एयरपोर्ट के बाहर भी कुछ शॉर्ट्स या रील्स बनाने की कोशिश करेंगे। ये सामने दोस्तों वीर सावरकर जी की प्रतिमा लगी हुई है, उन्हीं के नाम पर ये एयरपोर्ट भी है, आपको पता ही है। यहाँ भी एक गोगो बस खड़ी हुई है, तो वही है, जिसकी तलाश करो वो नहीं मिलेगा, फिर इतना बार बार ही दिखने लगेगा जब ज़रूरत नहीं होगी तब। तो ये दोस्तों अभी मुझे लग रहा है ये जल्दी इसका निर्माण हुआ है, क्योंकि 2017 में मैं आया था उस समय इतना अच्छा एयरपोर्ट नहीं बना हुआ था। दोस्तों मैंने अपना सामान चेक इन काउंटर पे जमा करा दिया है, उसके बाद मैं आ गया हूँ एयरपोर्ट का टूर लेने के लिए। मैंने यहाँ पर जो सुरक्षाकर्मी थे उनसे मैंने पूछ लिया था कि इसका वीडियो बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, तो उन्होंने बताया कि अंदर का आप जो रनवे एरिया है, एरोड्रम एरिया, उसका वीडियो नहीं बना सकते, वहाँ फ़ोटो नहीं खींच सकते क्योंकि ये डिफेंस का है, बाकी आप एयरपोर्ट पर खींच सकते हैं। और अब मैं दोस्तों चेक इन कर चुका हूँ अंदर, सिक्योरिटी जांच हो चुकी है, सामान भी जा चुका है, तो अब हम जा रहे हैं बोर्डिंग गेट के पास में। दोस्तों रास्ते में एक एयरपोर्ट का मॉडल भी रखा हुआ है और उसके पीछे कुछ गमले रखे हुए हैं, तो ये गमले पूरे गोलाकृति में रखे हुए हैं और ये ऊपर की डिजाइन है, ये तार से बंधा हुआ है, ऊपर जो शेड बनी हुई है वो शेड को तार से बांध के, मोटे मोटे तार हैं उससे बांध के रखा गया है। और ये 2 तल का है पोर्ट ब्लेयर का जो एयरपोर्ट है, ये 2 तल का है, तो हम अभी ऊपरी वाले तल में जाएंगे और ऊपर वाले तल मतलब इधर से ही जाने का रास्ता है, अब आगे जाकर पता चलेगा कि और किधर जाना है। ये दोस्तों इधर बार का बोर्ड लगा हुआ है और ये हम ऊपरी तल पर आ गए हैं। यहाँ से देखिए ये साइड जो है ये आगमन वाली साइड है, जो फ्लाइट आती हैं इधर आने वाले लोगों का सामान इधर ही आता है, अभी तक एक भी फ्लाइट नहीं आई है इसलिए पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। और हम लोग भी जब 1 हफ्ते पहले आए थे तो इसी द्वार से बाहर गए थे, एक ही द्वार है बाहर निकलने का, बाकी वीआईपी वाला अलग है, लेकिन जो सामान्य आते हैं उनके लिए यही एक ही जगह है, यहीं पर सारी फ्लाइट का सामान भी आता है और यहीं से सारे पैसेंजर बाहर जाते हैं। और दोस्तों जिस तरह से वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आंतरिक संरचना है जो बनाया गया, बहुत छोटा सा एयरपोर्ट है लेकिन जिस हिसाब से बनाया गया है वो बहुत ही लाजवाब है। और हम पहले तल पर गए थे फर्स्ट फ्लोर पे, उसके बाद वापस हम सीढ़ी से एस्केलेटर से ही उतर के ग्राउंड फ्लोर पे आ गए हैं। तो मतलब सिक्योरिटी जांच वाले जब करते हैं, जैसे मंदिरों के बाहर लंबी सी रेलिंग लगा दी जाती है कि घूम घूम करके आएंगे तो लंबे ज़्यादा लोग एक लाइन में आ जाएंगे, तो इसी तरह का कुछ प्रबंध है यहाँ पर भी। रास्ते में दोस्तों ये सोफे वोफे रखे हुए हैं और यही हमारा द्वार संख्या 1 है जहाँ से हमको फ्लाइट पकड़नी है, तो तब तक हम बैठ कर इंतजार करेंगे और जैसे ही बोर्डिंग शुरू होती है फिर हम चलेंगे अंदर।
यहाँ पर दोस्तों मैं लाउंज ढूंढने की कोशिश किया था, लेकिन लाउंज मिला नहीं, यहाँ पर बना ही नहीं है। एक है वो CIP लाउंज करके था, उनसे मैंने पूछा जो वहाँ पर कर्मचारी थे, तो वो VIP टाइप का कुछ होता है CIP भी, तो उन्हीं लोगों के लिए वो लाउंज है, बाकी लाउंज कोई नहीं है। दोस्तों ये छोटा सा गेट जो है ये VIP गेट है, और इधर देखिए ये सामने जांच हो रही है, यहाँ से सीधे आ गए तो आप द्वार संख्या 1 के सामने आ गए, नहीं तो ऊपर से घूम के हम लोग आए हैं। यहाँ पर दोस्तों हमें बैठा हुआ आधा घंटा हो गया, और आधे घंटे बाद ही बोर्डिंग शुरू हो गई है। बगल में एक दुकान है, बड़ी दुकान है काफ़ी, तो वहाँ पर स्नैक्स का और आइसक्रीम है, चॉकलेट है, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। कॉस्टली है काफ़ी, लेकिन अगर आप सुबह सुबह आए हैं, भूख लगी है, तो वहाँ से कुछ लेकर खा सकते हैं। तो हमारा दोस्तों ये चेक इन हो गया है। अभी दोस्तों जहाज तक पहुंचने के लिए हमें करीब 100 मीटर और आगे जाना पड़ेगा। ये एक देखिए दोस्तों, एक सुरंग जैसा बनाया हुआ है, निर्माण किया है, यहाँ से जाएंगे, फिर वो हमारा जहाज खड़ा हुआ है, और ये दोस्तों लगा हुआ है एक जो एक्सटेंशन टाइप का होता है, AC लगी है, तो आगे की वीडियो मैं नहीं दिखाऊंगा, फिर मिलता हूँ फ्लाइट में। तो दोस्तों हम फ्लाइट में बोर्ड करके बैठे भी नहीं थे सीट पर, तब तक के बच्चे ने एक काम कर दिया, पानी की बोतल में से पानी गिरा दिया सीट के ऊपर, जिससे सीट पूरी गीली हो गई है। तो मैंने एयर हॉस्टेस से पूछा कि ये सीट चेंज करने के लिए, तो उन्होंने आगे से कहीं से ला करके, शायद स्पेयर में रही होगी, सीट मुझे दे दिया, और यहाँ से ये उजाड़ के ले गए। नीचे वेलक्रो लगा होता है, उससे ये सीट चिपकी होती है, तो बकेट सीट बोलते हैं इसको। तो दोस्तों अब इंडिगो वालों को एक धन्यवाद देना बनता है। और दोस्तों जैसे ही फ्लाइट टेक ऑफ हुई है, उसके आधे घंटे में हमें ये स्नैक्स सर्व किए गए हैं, एक पैकेट है ये आप देखिए, और इसके साथ में एक सैंडविच है। तो हम इस पैकेट को खोल के पहले देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। दोस्तों ये जो पैकेट है, इसके ऊपर एक टेप लगी हुई है, और ये टेप थोड़ी स्ट्रांग है, वो बच्चे के हाथ से टूट नहीं रही है, और मैंने एक हाथ में फ़ोन पकड़ा हुआ है, तो एक हाथ से मैं इसको तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, और फाइनली मैंने तोड़ भी लिया। तो ये दोस्तों एक है रोस्टेड राइस क्रैकर्स, और उसके बाद ये दूसरा पैकेट है, टिशू था इसमें, और ये एक जूस है, और जूस के बाद में एक पैकेट और है इसके अंदर। बच्चों को कुछ ज़्यादा ही एक्साइटमेंट होती है पैकेट वैकेट खोलने की, कोई भी नई चीज़ देखते हैं तो। और ये दोस्तों तीसरा पैकेट है, ये पेपर कैजू लिखा हुआ है, मैंने काली मिर्च लपेटा हुआ काजू है ये, और ये है दोस्तों सैंडविच जो हमें मिली है। तो ये इतना नाश्ता दे दिया है कि 10-11 बजे तक आराम से काम चल जाएगा अपना। और ये सैंडविच खाने में टेस्टी है, ब्राउन ब्रेड की सैंडविच है, चीज़ वीज पड़ा हुआ है, तो अच्छी थी काफ़ी, खाने की गुणवत्ता ठीक थी। तो दोस्तों सैंडविच खाकर मैं बोर हो रहा था, तो बाहर थोड़ी देर देखा, फिर किताबें पलटी जो सामने रखी थी, तब तक आ गई चाय। इस चाय का टेस्ट, वो 20 रुपये का एक पैकेट आता है जो ट्रेन में मिलता है, अलग से स्पेशल टाइप, राजधानी शताब्दी में मिल जाता है, उसे उसके जैसा बिल्कुल टेस्ट था इसका, तो अच्छा था। इंडिगो के लोगों वाले कप में मिले तो अलग ही थोड़ा टेस्ट बढ़ जाता है। और ये दोस्तों उसके बाद हमें एक जूस मिल गया है, तो चाय पिया, फिर थोड़ी देर बाद जूस पिया, और उसके बाद हम इस बोतल को देख रहे थे लगातार, ये देखिए ये अंदर को कैसे जा रही है, तो जो हवा का प्रभाव, वायुदाब का जो प्रभाव है वो इसके ऊपर पड़ रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना जब हम उतर रहे होंगे चेन्नई एयरपोर्ट पर, तो इसकी एक वीडियो बनाई जाए। तो मैंने दोस्तों इसकी एक वीडियो बनाई है, वो 8 मिनट की बनी थी पूरी वीडियो, तो लेकिन मैंने उसको फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है, तो आप इसमें देखिए कि लाइव कैसे एयर प्रेशर इफेक्ट करता है, जब फ्लाइट ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाती है, जब एयर प्रेशर चेंज होता है। ये देखिए लगभग दोनों तरफ से ये 1-1 सेंटीमीटर अंदर की तरफ धंस गई थी। तो दोस्तों ट्रेवल ब्लॉग बनाते बनाते एक विज्ञान का शोध भी कर लिया हमने। अब हम पहुंच चुके हैं चेन्नई एयरपोर्ट पर, और हमारे पहुंचते ही उतरने के लिए रैंप लगा दिया गया है, और मैं जहां तक मेरी नज़र जा रही है सामने, वहां तक केवल इंडिगो के विमान ही खड़े हैं, इसीलिए शायद इंडिगो भारत में की इतनी बड़ी एयरलाइंस बन गई है। चारों तरफ देखिए दोस्तों केवल इंडिगो की गाड़ियां, करीब करीब 20 से 25 ऐसे विमान खड़े होंगे, जेट वाले प्रोपेलर वाले दोनों मिला के, और इनका ग्राउंड क्रू बस ये सब कुछ चारों तरफ यही नज़र आ रहे थे मुझे। तो फिर मैंने नेट पर जब देखा तो मुझे पता चला 62% तो जो एयर ट्रेवल करते हैं वो इन्हीं के ग्राहक हैं। तो दोस्तों ये जो रैंप खड़ा है ये पूरा मैनुअल वाला रैंप था,
मतलब इसमें कोई हाइड्रोलिक जैक का उपयोग नहीं किया गया था, हाथ से घुमाने वाला था। और ये है दोस्तों हमारी बस, बस पहले ही से ही खड़ी थी, एक शिफ्ट जाप के आ भी गई है दोबारा, और सामने ही है, लेकिन एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी रीजन होते हैं इसलिए शायद बस का प्रयोग असंभावी है। दोस्तों मुश्किल से 2 मिनट के अंदर हम पहुंच गए हैं एयरपोर्ट की जो बिल्डिंग है उसके अंदर, और यहाँ से अभी 600 मीटर कम से कम हमें और पैदल चलना पड़ेगा, पैदल और एस्केलेटर से या लिफ्ट से, और तब जाके हम इस एयरपोर्ट के कॉम्प्लेक्स से बाहर जाकर हाईवे पर निकलेंगे। ये देखिए दोस्तों सामने जो विमान खड़ा है इसी से हम लोग अभी उतरे हैं, मुश्किल से ये 150 से 200 मीटर के बीच में होगा इसकी दूरी यहाँ से। तो हम दोस्तों अब चलते हैं आगे और फटाफट निकलने की कोशिश करते हैं बाहर, क्योंकि हमारा प्लान जो है वो ये है कि एक होटल मैंने बुक कर रखा है रेलवे स्टेशन के पास में, तो वहाँ पर हम अपना सामान रखेंगे और फिर हम निकलेंगे महाबलीपुरम के लिए। तो हमारे पास अभी 9:30 बज रहा है, अगर हम 11 बजे तक भी होटल पहुँच जाते हैं तो हम वहाँ से निकलेंगे तो 12, 12:30, 1 बजे तक महाबलीपुरम पहुँच जाएंगे। तो शाम तक महाबलीपुरम 6-7 घंटे हमें मिल जाएंगे, तो घूम के और फिर वापस आके होटल में रुकेंगे, और सुबह सुबह की हमारी ट्रेन है तो सुबह की ट्रेन वहीं से हम पकड़ के निकल जाएंगे। अब देखते हैं कि इस प्लान में हमें कितनी सफलता मिलती है, क्योंकि बाहर निकलने में ही जगह जगह पर ऐसी ऐसी चीज़ें रखी हैं कि बिना फोटो खींचे या वीडियो बनाए आगे जाने का मन नहीं होता है। तो अभी 20 मिनट हो चुका है मुझे एयरपोर्ट पर आए हुए, लेकिन अभी तक मैं बाहर नहीं निकल पाया हूँ और सामान भी लेना है, तो जिस टर्मिनल पर बोला गया है हम उसी तरफ आ चुके हैं और अपने सामान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों ये मॉडल रखा हुआ है चेन्नई एयरपोर्ट का। यहाँ मैं आपको सूचना देना चाहता हूँ कि यहाँ पर मेट्रो की सुविधा भी उपलब्ध है जस्ट बाहर निकलते ही एयरपोर्ट से। तो मैंने दोस्तों ओला से एक ऑटो बुक किया है। अब यहाँ पर जितने भी टूरिस्ट प्लेस हैं लगभग हर जगह पर ऐसा होता है कि ये लोग 50 रुपये या 100 रुपये या 20 रुपये इस तरह से एक्स्ट्रा मांगते हैं तभी चलते हैं। तो आपके पास अगर टाइम है तो आप वेट करिए, दूसरा ऑटो बुक करिए, अगर टाइम नहीं है तो फटाफट 50 रुपये एक्स्ट्रा देके और चल दीजिए। रास्ते में कुछ बिल्डिंग बन रही थी और ये देखने से तो ऐसा लग रहा है कि धार्मिक स्थल होगा। तो अभी यहाँ पर दोस्तों खतरनाक गर्मी पड़ रही है, जबकि नॉर्थ में इस समय सर्दी का मौसम हो जाता है। तो हम दोस्तों पहुँचने वाले हैं चेन्नई रेलवे स्टेशन पर, जो MGR रेलवे स्टेशन है उसके बाहर ही हमारा होटल है। तो यहाँ से गली गली में अंदर जा रहे हैं, जैसे चांदनी चौक की गली है उस तरह से सकरी गली है, और यहाँ पर ये स्पाइरल रेजिडेंसी कुछ करके है होटल का नाम। तो ये जो रोड गई है ये सीधा गई है चेन्नई रेलवे स्टेशन के लिए, तो यहाँ से पास में ही है, 500 मीटर की दूरी पर होगा। तो ये देख कर ही हमने लिया था कि सुबह सुबह हम ऑटो ऑटो के चक्कर में नहीं पड़ेंगे और सीधा पैदल ही पहुँच जाएंगे। तो अभी हम चलकर रूम देखते हैं इनका और फिर सामान रख कर और निकलेंगे महाबलीपुरम के लिए। ये दोस्तों देखने में रिसेप्शन तो अच्छा बनाया है, लेकिन बाकी बिल्डिंग जो है वो काफ़ी पुरानी लग रही है। देखिए आप लोग, लिफ्ट की हालत ऐसी है, अंदर से जंग लगा हुआ है। बाकी सर्विस तो ठीक है, चल तो रही है, लेकिन और एक आदमी मुझे छोड़ने के लिए भी आ गया है ऊपर, तो सर्विस तो ठीक है और लेकिन थोड़ा पुराना हो गया है। और ये क्या है भाई, ये तो पूरा दीवार पर जो AC चलती है उसका पानी का लीक हुआ है शायद, और TV भी रखी हुई है सामने, एक पेड़ लगा है, झांकी है, ये गंदा बहुत है, झांकी जो खिड़की है ये बहुत ज़्यादा गंदी है, और 2 बेड डबल बेड उधर है, 1 सिंगल बेड इधर पड़ा हुआ है। तो सुविधा तो सारी है, चाबी वाबी वाला भी सिस्टम है कि चाबी लगाओ तो लाइट ऑन हो, लेकिन गंदगी बहुत ज़्यादा है, मतलब सफाई नहीं है जितना होना चाहिए। और वाशरूम भी देख लेते हैं दोस्तों, अरे ये तो वाशरूम की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो यहाँ तो नहीं रह पाएंगे दोस्तों। इसकी मैं एक वीडियो बना लेता हूँ, वीडियो बना के जो GoiVivo से मैंने बुक किया है तो उनको रिफंड के लिए बोलते हैं और हम चलते हैं महाबलीपुरम, क्योंकि लेट बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो दोस्तों मैं चेन्नई से मेट्रो लेकर के पहुँच गया हूँ कोयम्बेडू बस स्टैंड पर। यहाँ से पौंडीचेरी जाने वाली बस में हम सवार हो जाएंगे और वो हमें महाबलीपुरम के बस स्टैंड पर उतार देगी। दोस्तों चेन्नई से महाबलीपुरम का किराया 90 रुपये एक आदमी का है, तो ये हमारी टिकट है। तो दोस्तों बस ने हमें इस पॉइंट पे उतार दिया है, ये सड़क सीधी पौंडीचेरी जा रही है और जिधर से गाड़ी आ रही है वो महाबलीपुरम जा रही है।
वर्ल्ड स्टोन कार्विंग सिटी का ये बोर्ड लगा है और इसके ऊपर ये नक्काशी वाली पूरी लंबी ऊंची सी मूर्ति है, इस पे घोड़े हाथी ये सब बने हुए हैं, मोर भी बना है। तो इसको मैं दूसरी साइड से दिखाता हूँ क्योंकि सूरज की रोशनी उल्टी पड़ रही है। और ये सामने है बस स्टैंड दोस्तों, इस पे देखिए ये बीच में भीम रथ बना हुआ है और लेफ्ट हैंड साइड में सोल टेम्पल बना है, इधर पिलर वाले मंदिर है। तो ये जो अंदर महाबलीपुरम के अंदर चीजें बनी हुई है, मंदिर बने हुए हैं, शिल्पकृतियां हैं, उसी को दर्शाते हुए ये बस स्टैंड नजर आ रहा है। और मैं अब आपको दूसरी साइड से ये जो बीच में मॉन्यूमेंट बना हुआ है इसको मैं उधर से साइड से दिखाता हूँ आपको। और ये जो गाड़ियां आ रही हैं, लाइन से लगातार गाड़ियां आती जा रही हैं, तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर भी कोई फेस्टिवल। और ये द्वार पर भी देख रहे होंगे आप सजावट करके कुछ बनाया गया है, तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर भी कोई फेस्टिवल वगैरह कुछ चल रहा है। बोर्ड वोर्ड भी लगे हुए हैं, पढ़ तो मैं नहीं सकता हूँ लेकिन जो यहाँ पर सजावट है उससे मैं अंदाजा लगा रहा हूँ। तो अभी जो ऑटो हम करेंगे उससे पूछते हैं कि क्या यहाँ पर कोई मेला वेला चल रहा है या कुछ और है। और एक तरफ से ये देखिए दोस्तों बंद भी किया गया है सड़क को, तो ये सब आमतौर पर तभी होता है जबकि कोई विशेष आयोजन हो। तो हम ऑटो वाले से किसी से बात कर लेते हैं दोस्तों, जो कि हमें घुमा कर वापस आ जाए। अभी समय हो रहा है 3 बज चुका है, तो यहाँ एक चाय की दुकान है, मैं एक चाय पी लेता हूँ फिर चलते हैं आगे। तो ये दोस्तों स्तूपा ऑफ स्कल्पचर्स है, उसके सामने ही ये एक बिल्डिंग बनी हुई है। ये एक नक्काशी के कोई महान संतों थे, उनकी मूर्ति है ये। तो हमने दोस्तों ऑटो बुक कर लिया है, ऑटो ने 700 रुपये बोले थे तो हमने कुछ कम करने के लिए बोला, 650 में बात बनी है। और यहाँ से 2 किलोमीटर महाबलीपुरम है टोटल, और 3 किलोमीटर ज़्यादा से ज़्यादा जो सोल टेम्पल है सबसे आखिरी पॉइंट, तो वो पूरा घुमा करके और वापस उसी पॉइंट पे मुझे छोड़ने के लिए। अभी दोस्तों बहुत बच चुका है 4:15, तो हमारे पास लगभग 1.5 से 2 घंटे ही हैं पूरा महाबलीपुरम घूमने के लिए। ये दोस्तों सरकारी बस अड्डा है, अगर आप चेन्नई से सीधे महाबलीपुरम की बस लेंगे तो यहाँ पर आके आप उतरेंगे। और भीड़ बहुत ज़्यादा है, देखिए दोस्तों लाल वस्त्रों में महिलाएं और पुरुष दिख रहे हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो यहाँ पर कोई ना कोई आयोजन है। ऑटो वाले से मैंने पूछा, उसने जो बताया मुझे समझ में नहीं आया कि ये है वो कुछ फेस्टिवल है ऐसा है। ये दोस्तों लाइट हाउस ऊपर दिख रहा है क्योंकि बीच भी यहीं पर है, मगर एक तरफ बीच है और एक तरफ महाबलीपुरम सिटी बसी है। ये दोस्तों नक्काशी करके एक शिला है, उसके ऊपर कोई कहानी बताई गई है नक्काशी के माध्यम से। और ये दोस्तों दूर आपको पिलर दिख रहा होगा, वो मंदिर का पिलर है, तो हम अभी वहाँ पर भी जाएंगे। और ये सामने मैदान है, ये सारा ASI के द्वारा संरक्षित है। दोस्तों ये जो लाल वस्त्र में लोग जा रहे हैं, ये लोग यहाँ से मदरांधकम करके एक जगह है 65 किलोमीटर दूर, वहाँ पर ओम शक्ति का एक मंदिर है, तो उस मंदिर के अनुयायी लोग हैं ये। नवंबर दिसंबर जनवरी का उनका अनुष्ठान का समय होता है, तब ये लोग आते हैं। तो दोस्तों अभी हम सीधा जा रहे हैं पंचरथ मंदिर को देखने के लिए। वहाँ पर 5 मंदिर बनाए गए हैं एक ही एक चट्टानों को काट काट कर। और उसके अलावा रास्ते में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अगर रुक रुक कर देखने लगे तो पूरा दिन निकल जाएगा और तब भी वो सारा आप देख नहीं पाएंगे। कई दुकानें ऐसी हैं जहाँ पर मूर्तियों की शिल्पकारी की जा रही है और कई जगह पर छोटी छोटी वस्तुएं हैं। देखिए ये देखिए सामने आप, छोटी छोटी वस्तुएं जो हस्तशिल्प वाली हैं, हाथों की सहायता से बनाई जाती हैं, वो सारी चीज़ें बिक रही हैं, छोटी छोटी मूर्तियां हैं। तो उनको देखने के लिए बहुत ज़्यादा समय चाहिए, तो उतना समय हमारे पास है नहीं, इसलिए हम मेन जो पॉइंट हैं 3-4 वो देखेंगे महाबलीपुरम में और फिर वापस चल देंगे। दोस्तों हम पंचरथ मंदिर के एकदम निकट आ चुके हैं लेकिन जाम लगा हुआ है, तो हम पैदल ही आगे चलते हैं। ये है दोस्तों पंचरथ मंदिर का प्रांगण, तो इसके बाहर ये मैप लगा हुआ है जिसमें पूरे महाबलीपुरम का साइट कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ें देखने वाली हैं वो लिखा हुआ है। सिटी मैप है महाबलीपुरम का और ये ASI ने लगाया है। इसमें देखिए आप ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट महाबलीपुरम लिखा हुआ है साइट मैप, और उसके बगल में ये ASI का पंचरथ मंदिर वाला के बारे में बताता हुआ ये चित्र लगा हुआ है। 5 प्रथास, ये हिंदी इंग्लिश और तमिल में लिखा हुआ है। तो हम अभी प्रांगण में प्रवेश कर चुके हैं, इसका टिकट है, टिकट खरीद के और फिर हम आ गए हैं अंदर। और ये है दोस्तों इस प्रांगण का प्रथम चित्रण, ये देखिए लाइन से एक तरफ 4 मंदिर बने हुए हैं और एक बीच में एक मंदिर बना हुआ है, उसके बगल में ये हाथी की मूर्तियाँ हैं और कुछ चट्टाने पड़ी हुई हैं।
और ये चट्टान पर मेरी नजर गई। इसको देखिए दोस्तों, ऐसा लग रहा है बीच से बिल्कुल समान रूप से काटा गया है। अब अगर लकड़ी होती तो हम मान लेते कि आरे से काटा गया होगा, अब इसको कैसे काटा गया होगा ये मतलब अद्भुत एक शिल्पकारी का नमूना है। इसीलिए महाबलीपुरम पूरे दुनिया में इतना ज़्यादा फेमस है। अब मैं कभी कभी सोच कर हैरान हो जाता हूँ कि कैसे लोग हो रहे होंगे जिन्होंने इस तरह की शिल्पकारी बना दी जो आज बहुत कठिन है। ये दोस्तों पहला मंदिर है जो द्रौपदी मंदिर है। अब द्रौपदी नाम जो ASI वालों ने रख दिया वही नाम है। ये सबसे छोटा मंदिर है और ये दोस्तों है अर्जुन का मंदिर, अर्जुन मंदिर नाम से इसको जानते हैं अभी आज की तारीख में। उसके बगल में ये चट्टान खाली पड़ी हुई है और ये है दोस्तों भीम का मंदिर। ये सबसे बड़ा मंदिर है यहाँ पर, जो पांच मंदिर है उन सबसे बड़ा जो मंदिर है विशाल वो ये मंदिर है। इसकी आप देखिए 5-6 पिलर हैं बीच में और अंदर जाने के लिए है ये भीम का मंदिर, भीम रथ मंदिर। और ये दोस्तों हाथी एक बना हुआ है। ये पूरा एक ही एक संरचना है, ये मतलब एक ही पत्थर को घिस घिस कर ऐसा रूप दिया गया है। ये दोस्तों नकुल और सहदेव का रथ है और उसके आगे धर्मराज का रथ है। तो धर्मराज का रथ जो है वो सबसे ऊंचा रथ है। ये देखिए आपको भी दिख रहा होगा कि ये ऐसा लग रहा है कि कई स्टोरी में बना है। उसके बगल में जो है वो दो ही मंजिल का दिख रहा है लेकिन उसकी लंबाई चौड़ाई ज़्यादा है और उसके बगल में ये छोटा वाला रथ हो गया। सामने कुछ पत्थर पड़े हुए हैं और भीड़ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 5 बजे के टाइम पर कितनी ज़्यादा भीड़ है। तो आप कभी अगर महाबलीपुरम का प्लान बना रहे हैं तो सुबह सुबह आ जाइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, देखने में भी, फ़ोटो खींचने में भी, और समय भी आपके पास काफ़ी रहेगा कि बीच भी आप घूम सकते हैं और बीच घूमने के बाद एंजॉय करने के बाद आप ये सारे मॉन्यूमेंट्स भी देख सकते हैं। तो वैसे भी अगर आप महाबलीपुरम आ रहे हैं तो मॉन्यूमेंट्स के लिए ही आ रहे होंगे क्योंकि बीच तो इससे अच्छे अच्छे बीच बहुत सारे इंडिया में बहुत सारी जगह पर हैं। तो मॉन्यूमेंट्स को देखना, उसकी नक्काशी को, उसकी बारीकी को देखना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बीच में जाने की अपेक्षा। और जो आपको यहाँ पर मूर्तियाँ नज़र आ रही हैं रथ के बाहर दोनों तरफ, वो मूर्तियाँ उसी रथ में ही जुड़ी हुई हैं, मतलब वो अलग से मूर्ति बना के नहीं चिपकाई गई है। और एक बार मैं आपको ये पूरा नज़ारा स्लो मोशन में दिखा देता हूँ, फिर हम चलते हैं आगे। तो दोस्तों हमने ये पंचरथ मंदिर का समूह देख लिया है, अब हम चलते हैं आगे। पीछे की तरफ थोड़ा घास का मैदान है तो उस तरफ भी चलेंगे। और जो धर्मराज का मंदिर है उसके बगल से थोड़ी सी जगह बनी हुई है, पत्थर है लेकिन पत्थरों के बीच से थोड़ी सी जगह है पीछे की तरफ जाने के लिए। तो वहां से मैं आ गया हूँ बैक साइड में और बैक साइड में देखिए, बैक साइड से ये चार मंदिर जो लाइन से हैं वो दिख रहे हैं और वो जो सिंगल वाला है वो नहीं दिख रहा है। और पीछे की तरफ भी लगभग वही संरचना है जो सामने की तरफ से है। और ये दोस्तों घास का मैदान है, इसके पीछे बीच है। तो हम ये घास के मैदान से होते हुए बाहर की तरफ निकल जाएंगे और वहीं से फिर अगले डेस्टिनेशन की ओर चलेंगे। दोस्तों इस जगह का चयन कितने दिमाग के साथ किया गया है कि जो हम जहाँ पर अभी चल रहे हैं ये थोड़ी ऊंचाई पर है, उसके पीछे मंदिर बनाया गया है ताकि समुद्र में कितनी भी लहर आए यहाँ तक जल्दी ना पहुँच पाए। और ये देखिए दोस्तों इसकी नक्काशी, ऐसा लगता है कि इसको जो घिसाई होती है अभी रेगमाल आता है उससे घिस घिस के डिजाइन में बनाया गया है, क्योंकि इसको छेने थोड़ी से तो बना नहीं सकते, छेने थोड़ी से तो वो टूट जाता है पत्थर बीच से। तो अभी हम आ चुके हैं दोस्तों, पंचरथ मंदिर का भ्रमण संपन्न हो गया है और हम अभी जा रहे हैं अगले डेस्टिनेशन की ओर। और अगला डेस्टिनेशन जो मुझे ऑटो वाले ने बताया है वो है ओलाकनेश्वरा मंदिर। ये मंदिर काफ़ी ऊंचाई पर है तो उसके लिए मुझे सीढ़ियाँ भी चढ़नी पड़ेंगी। तो दोस्तों मैं अभी ओलाकनेश्वरा मंदिर के गेट पर पहुंच चुका हूँ और यहाँ पर भी एक बोर्ड लगा हुआ है और ये यहाँ पर एंट्री फीस भी है। और अगर आप चाहें तो सारे जितने भी एंट्री वाली जगह हैं उन सबका एक ही टिकट खरीद सकते हैं किसी भी ASI के ऑफिस से, जहाँ पर टिकट काउंटर है। और ये देखिए दोस्तों ये चट्टाने पड़ी हुई हैं, जिस राजा ने भी इन मंदिरों को बनवाया होगा वो राजा अगर कुछ समय और सत्ता में रहता तो शायद और भी बहुत सारे मॉन्यूमेंट बनवाता। और ये ऊपर जो है दोस्तों ऐसा लग रहा है कि ऊपर से मंदिर बनाकर चट्टान के ऊपर रख दिया गया है। तो इस मंदिर को देखने ऊपर हम चलते हैं। ये सीढ़ियाँ आ गई हैं, अभी तक रैंप था तो पत्थर का ही रैंप था, तो वो रैंप चढ़ के आए उसके बाद में ये सीढ़ियाँ हैं। तो सीढ़ी चढ़कर जैसे हम आए तो ये समतल चट्टान के ऊपर हम आ चुके हैं और यहाँ पर पिलर गाड़ने के लिए कुछ होल भी दिख रहे होंगे। ये शायद कुछ यहाँ कार्यक्रम वगैरह होता होगा तो उसकी लाइटिंग वाइटिंग करना या टेंट लगाना इसके काम में आता होगा।
और इस जगह को आप सनसेट व्यू पॉइंट और सनराइज व्यू पॉइंट दोनों मान सकते हैं, क्योंकि फ्रंट में ये समुद्र आपको दिख रहा है, ये समुद्र हिंद महासागर हो गया, तो ये पूरब हो गया और दूसरी तरफ ये बैक वाटर है जो आप मैप में देखेंगे तो आपको दिखेगा, तो इस तरफ सनसेट हो रहा है। तो अभी हम चलते हैं दोस्तों फटाफट ऊपर वाले मंदिर को देखने के लिए। और ये देखिए थोड़ी सीढ़ियां कम चौड़ी है लेकिन रेलिंग बनी हुई है पकड़ने के लिए। और ये देखिए सपाट बिल्कुल चट्टान है चिकनी सी, अगर इस पे गिरे तो शायद नीचे ही जाकर के गिरेंगे। तो ये दोस्तों इसके चारों तरफ भी रेलिंग बनी हुई है, सुरक्षा दीवार है, और ये आप देख सकते हैं चारों तरफ नक्काशी की हुई है और नक्काशी करके पूरा मंदिर बना हुआ है। अब इसके अंदर कौन से देवता का वास है ये देखने के लिए हमें दरवाजा दिख गया है। इस दरवाजे के अंदर झांक कर देखते हैं दोस्तों कि क्या है। दरवाजे के दोनों तरफ तो मूर्तियां बनी हुई हैं, ये तो मानव मूर्ति है, ये भी नक्काशी करके उसी एक ही पत्थर में बनाई गई है। और अंदर देखने पर एक और सीढ़ी दिख रही होगी दोस्तों, ये सीढ़ी बिल्कुल मंदिर के टॉप पर जाने के लिए, हो सकता है कि ये पुराना प्रकाश घर भी रहा हो, तो ये कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि इतनी मंदिर के बिल्कुल टॉप पर या तो ध्वजा फहराने के लिए जाते हैं या फिर अगर लाइट हाउस होगा तो लाइट रखने के लिए। और ये अंदर एक दरवाजा लगा हुआ है जिसके अंदर संभवतः गर्भगृह बना होगा। तो इसको हम चारों तरफ से एक बार परिक्रमा करके देख लेते हैं कि इसके नक्काशी को। अभी हम लोग ऐसे टाइम पे आए हैं कि नीचे गार्ड ने सीटी बजाना शुरू कर दिया है। ये शंकर भगवान और पार्वती माता की फोटो है और ये शायद उनके यक्षगण लोग हैं जो कैलाश पर्वत पर रहते थे उनका ही, क्योंकि जिन राजाओं ने इनको बनवाया है वो सभी शैव मत के अनुयायी थे। तो तमिलनाडु में शैव मत का वैसे भी बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार था। सामने ये आपको लाइट हाउस दिख रहा होगा, लाइट हाउस में जाने का समय बचा नहीं है हमारे पास, सीढ़ियाँ चढ़ के और ऊपर जाना पड़ेगा, लगभग आधा घंटा तो लग ही जाएगा। तो यहाँ पर जाने के लिए भी लोग उतर भी रहे हैं और जा भी रहे हैं लेकिन हमारे पास अभी समय बचा नहीं है। ये सामने देखिए दोस्तों शायद नक्काशी का काम शुरू हुआ था उसके बाद ही बंद हो गया, क्योंकि ये शतरंज की तरह से खाने बने हुए हैं, उसके अलावा कुछ नहीं बना है उस पर। और चारों तरफ से ये देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनी हुई हैं, पिलर भी हैं और बाकी यक्षगण लोग बैठे हुए हैं। तो ये मंदिर के चारों तरफ हमने देख लिया, शेर वेर की मूर्ति भी है। तो अब हम चलते हैं दोस्तों नीचे और सामने जो समतल दीवार है, समतल शिला है, उस शिला में चलेंगे। फिर इसी के नीचे मंदिर भी बना हुआ है पिलर वाला जो मैंने शुरू शुरू में दिखाया था, तो वहाँ भी हमें जाना है, इसलिए हम फटाफट चलते हैं यहाँ से अब। तो दोस्तों अभी हम जिस सीढ़ी से उतर रहे हैं ये सीढ़ी हमें मंदिर के दूसरे साइड में उतारेगी। तो यहाँ पर देखिए फोटो शूट चल रहा है और हम अभी उतरे हैं जिधर लाइट हाउस है उस तरफ में हम लोग उतरे हैं, और जिधर हम पहले सूर्यास्त देख रहे थे वो दूसरी साइड था। यहाँ पर देखिए दोस्तों एक नाली नुमा संरचना बनी हुई है, ये आमतौर पे जो शिवालय होते हैं उसके बाहर इस तरह की संरचना होती है कि जो जल चढ़ता है वो बाहर गार्डन वगैरह में चला जाए। लेकिन ये संरचना कैसे और इतनी पतली कैसे बनी होगी ये मतलब मैं अंदाजा नहीं लगा सकता, अगर आपको कुछ पता हो तो जरूर मैसेज करिए। तो अब दोस्तों हम चलते हैं वापस, और वापस जाने के लिए फिर से वही सीढ़ी चढ़ के और उधर सीढ़ी उतरना पड़ेगा, और यहाँ पर सीढ़ियाँ बहुत सक्रिय हैं तो बहुत ध्यान से जाने योग्य है, क्योंकि अगर यहाँ स्लिप हुए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। और ये दोस्तों ये वाली सीढ़ी तो दोनों तरफ से पत्थरों से घिरी हुई है तो यहाँ कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और ये नीचे जो मंदिर में हम आए हैं ये है महिषासुर मर्दिनी मंदिर, यहाँ पर एक दीवार है उस दीवार पे चित्रण हुआ है माता दुर्गा का और उनके साथ में जो महिषासुर का युद्ध हुआ था उस युद्ध का चित्रण किया गया है। ये देखिए दोस्तों ये बोर्ड लगा हुआ था, ये बोर्ड आप पढ़ सकते हैं क्योंकि एक तो होगा नहीं। और ये दूर से मैं आपको दिखा देता हूँ इस मंदिर को, जो सामने पिलर वाला मंदिर है ये दूर से आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये किसी व्हेल आकार की बड़ी सी मछली है और उसके पेट को चीर कर ये मंदिर बनाया गया है। और ये अंदर का दोस्तों जो शिलाकृतियाँ हैं वो हैं, ये बहुत ज़्यादा साफ नहीं आ पाई हैं, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मैं अगर दिन में भी आता तो भी ये पत्थर ये गुफा के अंदर पत्थरों पर बनी है तो बहुत ज़्यादा साफ तो तब भी नहीं आती, लेकिन हाँ थोड़ा तो इससे 19-20 तो अंतर रहता ही। तो मैंने फ्लैश लाइट भी ऑन कर रखी है फिर भी बहुत ज़्यादा अच्छा आ नहीं पाया वीडियो। तो अब हम चलते हैं दोस्तों आगे, और अर्जुन की तपस्या और सौर मंदिर ये दो पॉइंट और मुझे दिखाने के लिए बोला है,
तो सबसे पहले अर्जुन की तपस्या के पास में चलते हैं वो वाले शिलाकृति को देखने के लिए, और फिर उसके बाद चलेंगे सौर मंदिर, क्योंकि सौर मंदिर थोड़ा देर तक खुला रहेगा और ये तो बंद हो चुका होगा, और बंद होने के बाद में हमको बाहर से ही देखना पड़ेगा। जाम भी मिल चुका है यहाँ पर, देखिए दोस्तों ये एक दुकान है, उस दुकान में बाहर जो शिलाकृति बनाई गई है, मूर्तियाँ बनाई गई हैं, वो सब रखी हुई हैं। इसमें हर साइज़ की मूर्ति है, 5-6 फीट की मूर्ति से लेकर और छोटी 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर की मूर्ति तक। तो दोस्तों अभी मैं जिस मंदिर के सामने पहुंच गया हूं, यहां पर अर्जुन की तपस्या को पत्थरों पर भित्ति चित्र बनाकर दर्शाया गया है, और वो पूरा का पूरा जो चित्रण हुआ है वो घिसाई कर करके हुआ है, वो किसी छीनी हथौड़ी से नहीं हुआ है जैसे कि बाकी मूर्तियों का हुआ है। तो ये है दोस्तों वो मंदिर, यहाँ पर लाइट वाइट तो लगी है लेकिन बहुत ज़्यादा उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो हम इसको देख लेते हैं एक बार। बहुत ज़्यादा साफ तो आएगा नहीं, ये देखिए दोस्तों बहुत ज़्यादा साफ तो नहीं आ पाया है, लेकिन दिन में आते तो ये वाला बहुत अच्छा व्यू आ सकता था, इसका बहुत अच्छी वीडियो रिकॉर्डिंग होती। यहाँ पर दोस्तों लाइट तो लगी हुई है, हैलोजन कई सारे लगे हुए हैं, स्ट्रीट लाइट भी लगी है, लेकिन एक का भी फोकस इस दीवार के ऊपर नहीं है, नहीं तो बहुत अच्छी फोटो आ सकती थी। नाइट विजन में कैमरे में आजकल तो कोई दिक्कत नहीं होती है, तो इस वीडियो को अगर ज़्यादा पॉपुलरिटी मिलेगी, चेन्नई तक पहुँचेगा, महाबलीपुरम के जो एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हैं तो वो शायद इस पर कुछ गौर करें और वहाँ पर एक ऐसी लाइट लगवाएं जिसका फोकस दीवार की तरफ हो और अर्जुन की तपस्या देख सके कोई रात में भी। और इसके बगल में एक पार्क है दोस्तों, तो इस पार्क में एक बटर बॉल रखी हुई है, कृष्णा बटर बॉल बोलते हैं उसको, तो उसको भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ अगर मैं दिखा पाया तो। उसी पार्क का ये गेट है, मेरा फ्लैश ऑन है इससे आपको पता चल गया होगा, लेकिन फ्लैश की तो अपनी एक सीमा है, वो 2-4 मीटर से दूर तक तो नहीं कैप्चर कर सकता है। तो दोस्तों मैं अभी पैदल ही आगे जा रहा हूँ, ऑटो वहीं पर खड़ा हुआ है, तो मैं आपको जस्ट बटर बॉल दिखा के और फिर तुरंत वापस आ जाऊँगा। ये है बटर बॉल दोस्तों, इस बटर बॉल में लोग अपना जो रजमाइज करते हैं कि खिसक जाए, लेकिन ये खिसकती नहीं है। तो अभी हम दोस्तों सौर टेम्पल की ओर निकल चुके हैं, वो हमारा आखिरी गंतव्य है, और सौर टेम्पल को देख करके सीधा हम वहीं उसी पॉइंट पर चले जाएंगे जो जहाँ से हमने ऑटो लिया था। ये दोस्तों रास्ते में एक और मंदिर पड़ा है, इसकी भी नक्काशी को आप देखिए, ये नया मंदिर है, नया बनवाया गया मंदिर, लेकिन किसी ऐसी जगह पर टूरिस्ट स्पॉट पर जाओ तो आपकी तो एक एक चीज़ ऐसी लगती है कि ये भी फेमस होगा, वो भी फेमस होगा, ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा, दूर के ढोल सुहावने वाली हालत होती है। तो कोई सामान्य मंदिर भी है, अच्छी सी नक्काशी है, तो ऐसा लगता है कि उसका भी वीडियो बना ही लेते हैं। अब इस दुकान को ही देख लीजिए दोस्तों, इस दुकान पे जो मूर्तियाँ रखी हैं, अगर हमारे घर के आसपास में इस तरह की मूर्तियाँ बनाने वाली कोई दुकान होती तो वही टूरिस्ट स्पॉट बन जाती है, क्योंकि वहाँ पर ऐसी मूर्तियाँ बनती नहीं है। और अब हम पहुँच चुके हैं दोस्तों सौर टेम्पल से लगभग 200-300 मीटर बाहर, हमें उतार दिया है और यहाँ से पैदल जाने के लिए बोला है, क्योंकि गाड़ी अलाउड नहीं है आगे ले जाना, तो यहाँ से हम पैदल चल रहे हैं दोस्तों। और यहाँ पूरा मेला वाला माहौल है, जैसा मेला के अंदर होता है माहौल, कोई भी मेला हो, कुंभ का मेला हो, चाहे हरिद्वार का मेला हो या और कोई मेला हो जो सरकारी आयोजन होते हैं। तो यहाँ पर खाने पीने का बढ़िया लग रहा है मुझे, और वेजिटेरियन भी लग रहा है, तो हम यहाँ पर कुछ खा के फिर आगे चलते हैं। तो दोस्तों डोसा खा करके हम पहुँच गए हैं टिकट काउंटर पर, और ये है टिकट काउंटर, तो मैं टिकट यहाँ से प्राप्त कर लेता हूँ और फिर चलते हैं आगे। तो दोस्तों टिकट काउंटर पर कोई था नहीं, इसलिए हम उसके पीछे एक ऑफिस बना हुआ है, उस ऑफिस में जा रहे हैं टिकट लेने के लिए। ये दोस्तों शायद ASI का ऑफिस होगा, या फिर अगर इन्होंने आउटसोर्सिंग में दे रखा होगा तो अलग बात है, ठेके पर। और यहाँ पर पुस्तकों को बिक्री के लिए रखा गया था, आगे सेल्फ में पुस्तकें थी, और यहाँ पर एक स्कैनर लगा हुआ है जिससे कि आप यहाँ की जानकारी ले पाएंगे पूरे एरिया की, कहाँ पर क्या फेमस है, और टिकट भी खरीद सकते हैं। तो यहाँ से दोस्तों हम टिकट खरीद कर वापस बाहर आए, यहाँ पर एक बोर्ड रखा हुआ है जिस पे कि एंट्री फीस लिखी हुई है कि टिकट का प्राइस कितना होगा। और हम गेट के बिल्कुल बाहर हैं, यहाँ पर एक पिकअप पॉइंट है जिसमें वो बैटरी वाली गाड़ी चलती है, उससे पिकअप करके आपको अंदर सौर टेम्पल में लेके जाएगा दिखाने के लिए।
क्योंकि यहाँ से थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस पे है, 150-200 मीटर आगे है, और इधर एक लेफ्ट हैंड पे ये बड़ा सा मैदान पड़ा हुआ है, ग्राउंड है ये, लेकिन ये अभी हमारे किसी काम का नहीं है। तो हम सीधे सीधे आगे चलते हैं और जल्दी से जल्दी सोल टेम्पल देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उसका भी बंद होने का समय हो चुका है और वो 8 बजे बंद हो जाता है, और अभी समय हो रहा है 7:30। और ये दोस्तों ग्राउंड है, यहाँ पर कुछ तमिल नृत्य का, शास्त्रीय नृत्य का आयोजन किया जा रहा है, और ये शायद 99% मैं श्योर हूँ कि ये सरकारी आयोजन है, क्योंकि पीछे CM की फ़ोटो लगी हुई है और यहाँ के और नेताओं की फ़ोटो लगी हुई है, और ये नीले रंग की कुर्सी रखी हुई है, इस पे लोग बैठे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, कुछ तो टूरिस्ट होंगे और कुछ लोकल लोग होंगे यहाँ के। और जो सामने दिख रहा है ये है सोर टेम्पल, इसके लिए अभी हमें और आगे जाना पड़ेगा। ये तो हमारा लॉन का एरिया हो गया, ग्राउंड कंपाउंड का एरिया हो गया, यहाँ पर जो आयोजन चल रहा है। अभी इसके लिए दूसरा गेट है, उस गेट से होके फिर उसके टिकट अलग है, वहाँ पर टिकट दिखा के फिर अंदर जाना है। तो दोस्तों ये जो सोर टेम्पल है, इससे मुश्किल से 30-40 मीटर की दूरी पर ही समुद्र है, हिंद महासागर है, और ये है आपका सोर टेम्पल। यहाँ पर लाइटिंग बहुत अच्छी है, तो यहाँ पर हमें वीडियोग्राफी करने में कोई कठिनाई नहीं हो रही है, और मैं इसको सोर टेम्पल को आपको एक एक डिटेल में दिखाऊंगा। ये दोस्तों मुख्य मंदिर के बाहर एक गलियारा की तरह बना हुआ है, उस गलियारे में मैं अभी खड़ा हूँ, और उस पूरे के पूरे गलियारे में पूरी शिलाकृतियाँ से भरा हुआ है, और पत्थर एक के ऊपर एक पत्थर रखे हुए हैं, और उस पर शेर की मूर्ति बनी हुई है। ये एक लाइट है जो कि फ्यूज हो गई है शायद, वो बार बार ऐसे जल रही है। और ये देखिए दोस्तों, ये नक्काशियाँ की गई हैं, और ये है गलियारा, गलियारे में छोटी छोटी लाइटें लगी हैं जिसकी वजह से आप देख पा रहे होंगे, और बीच में सीढ़ी है बाहर जाने के लिए या अंदर आने के लिए, और ये बीच में है सोर टेम्पल। इस टेम्पल में 3 मंदिर हैं, ऊपर 2 गुंबद आपको दिख रही होंगी, और इसके पीछे एक और है शिखर, सॉरी गुंबद नहीं शिखर है ये, तो 2 शिखर यहाँ दिख रहे हैं और 1 शिखर ये पीछे की साइड में है, लेकिन अभी ये बंद हो चुका है तो हमें अंदर की मूर्तियाँ भी शायद नहीं दिखेंगी, क्योंकि इसका टाइम जो है सोर टेम्पल का वो 6:00 से 6:00 PM ही है, लेकिन चूंकि वहाँ पर कल्चरल प्रोग्राम चल रहा है तो उसकी वजह से ये एक्सटेंडेड टाइम है जिसमें कि हम लोग वीडियोग्राफी कर पा रहे हैं। ये दोस्तों मंदिर के बाहर एक संरचना है, इस संरचना के बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि क्या बना हुआ है, अगर आप लोगों को कुछ है तो बताइएगा ज़रूर। ये मित्रों एक बोर्ड लगा हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है, इसकी सूचना पूरी दी गई है, और ये मैं साइड से आपको दिखा रहा हूँ, इधर बंद है, कुछ निर्माण कार्य चल रहा है उसकी वजह से, और ये सफ़ेद रंग का जो आप देख रहे हैं ना, ये चूने से जहाँ जहाँ पर दरार हो गई थी उस दरार को भरा गया, ये देखिए इस दरार को भरा गया था। और जब भी ये मंदिर बनाया गया होगा तो मंदिर बनाते समय किसी न किसी मटेरियल का उपयोग किया गया होगा, तो 1500 साल के बाद में उसको चींटियाँ भी खोद देती हैं, तो उस गैप को भरना बहुत आवश्यक हो जाता है अगर मरम्मत करके उसको संरक्षित रखना है तो ASI वाले ये सब काम करते हैं। तो दोस्तों अभी मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ गलियारा है, लेकिन उधर से चारों तरफ का गलियारा है, देखिए दोस्तों बाहर का भी और अंदर का भी दोनों गलियारे दिख रहे हैं, और आपको बड़ी बड़ी मूर्तियाँ रखी हुई दिख रही होंगी, ये गलियारे वाली जो दीवार है उस पर, ये सभी गौ माता की मूर्तियाँ थी। तो दोस्तों मूर्तियाँ दिखाने के बाद में अब मैं आपको शिलाकृतियाँ दिखा देता हूँ, और ये देखिए धनुष बाण से कोई योद्धा लड़ रहा है, संभवतः भगवान राम होंगे क्योंकि धनुष उन्हीं का माना जाता है जो शस्त्र था। और ये सारी की सारी नक्काशियाँ कुछ ना कुछ कहानी कह रही हैं, लेकिन उस कहानी को हम लोग नहीं समझ सकते हैं क्योंकि हमने वो पुस्तकें नहीं पढ़ी हैं। ASI वाले इन सब कहानियों के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि अर्जुन की तपस्या के बारे में भी उन्होंने ही बताया था, और बौद्ध धर्म की कुछ जातक कथाएँ भी हैं उसके बारे में भी उन लोगों ने ही बताया था। तो जो इतिहासकार लोग हैं या आर्कोलॉजिकल वाले लोग हैं वो लोग इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से बताते हैं। तो ये है दोस्तों ये मंदिर, और अब हम चलते हैं इस मंदिर से बाहर क्योंकि समय हो चुका है और गार्ड ने सीटी बजाना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों अभी हम सांस्कृतिक कार्यक्रम वाले स्थल पर पहुँच चुके हैं, बीच में ग्राउंड है, लोग अपना पिकनिक बना रहे हैं, बैठे हुए हैं बीच में, चारों तरफ से सजावट आप देख ही सकते हैं, और पीछे की तरफ स्टेज है, ये इस तरफ स्टेज है जहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है। तो हम वापस उसी पॉइंट पर आ गए हैं, यहाँ पर दोस्तों रोड साइड एक ढाबा है, तो यहाँ पर हमने चाय पिया था, उस समय मेरी बात हुई थी तो बोला था लौट के आप आना, जो भी आप बोलोगे वो मैं फ्राइड राइस वगैरह बना दूंगा, लेकिन अभी हमने वहाँ डोसा खा लिया था तो भूख है नहीं,
इसलिए मैं आपको ये दिखा देता हूँ एक बार, रात की रोशनी में नहाया हुआ स्तूप आप स्कल्पचर्स। ये रंग बिरंगी लाइट में, उससे दिन में जो रोशनी थी उससे भी ज़्यादा सुंदर इस टाइम लग रहा है। तो इसके बाद मैं प्रतीक्षा करूँगा थोड़ी देर बस की, बस या शेयरिंग वाला टैक्सी कुछ भी अगर मिल जाता है तो जो पहले मिल जाएगा उसी में हम चल देंगे। और फिर रेलवे स्टेशन तक जाते जाते अगर भूख लगती है तो फिर वहाँ आसपास में कुछ खाने के लिए ढूंढेंगे। तो मैं आपको रेलवे स्टेशन पर अब मिलता हूँ। दोस्तों मैं बस पकड़कर पहुँच चुका हूँ रेलवे स्टेशन पर, और मुझे इस रेल कोच रेस्टोरेंट में भोजन करने की इच्छा थी लेकिन ये बंद हो गया है। तो मैं अब आपको सुबह ट्रेन में मिलूँगा, तब तक आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।